हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइस हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर 1-0 में। एंड गाइस, इस वीडियो में दो गेम प्ले होने वाले हैं, दोनों ही काफ़ी इंटेंस होने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक जू कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जू कर लेना। ओके सो गाइस, बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स कुछ हद तक तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जोकर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये जोकर का ना होना। अगर एक जोकर ही होता फिर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड थे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इनवैलिड कार्ड कम है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे कार्ड थे। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉप एंड यहाँ पे करते हैं इसी के साथ बैट्स की भी। आप देखते हैं कौन बंदा डिक्लेयर कर पाता। ओके सो फाइनली गाइस, देख सकते हो यहाँ पे थर्ड राइट पैड क्लियर कर देता है, और यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे लेफ्ट बंदा बैठा था ना, ये बंदा मिडल ड्रॉप कर देता है, और यहाँ पे सेकंड राइट पैड देख सकते हो डायरेक्ट 55 पॉइंट से लॉस हुआ है। और गाइस देखो, जिस बंदे ने डिक्लेयर किया उस बंदे पास तो काफ़ी ओपी कार्ड थे, और भाई जोकर की तो क्या ही बताएं, दुकान लगी थी बंदे के पास जोकर की। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं। एंड गाइस इस बार तो हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, लेकिन देखो मारा हुक्म का 9, मतलब कि ओपन डेक में पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास आना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई बंदा प्ले करेगा तो वही दिक्कत है कि हमारा देखो 9 ओपन डेक में जा चुका है। खैर कोई नहीं, और भी ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, जैसे कि डायमंड में जे आ सकता है, डायमंड में 5, क्लब में 6, और ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं। लेकिन देखो जो आपकी आँखों के सामने मतलब कार्ड ओपन डेक में चला जाता है ना, वो बहुत दिक्कत होती है। खैर कोई नहीं, देखो बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की है, सो हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। ओके मेरे पास 7 आ चुका है, सो हम यहाँ पे हर्ड जे डिस्कार्ड करें क्या, या फिर क्लब क्वीन जे डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की। और गाइस देखो बंदे ने देखो कितना फास्टली कार्ड पिक किया भाई, जैसे कि मतलब कि इस बंदे को जे ही चाहिए था। अब देखो बंदा जे पिक कर गया, अब हमको और कोई कार्ड पिक नहीं करवाना जिससे कि बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक कर पाए। वैसे ये मार ली इनवैलिड था, लेकिन इस बंदे के लिए वैलिड होगा, तभी बंदे ने पिक किया था। खैर देखते हैं इस बार बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। एस कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। किंग आ चुका है मेरे पास, सो अब हम कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 10 डिस्कार्ड कर देते हैं हुक्म का, क्योंकि यहाँ पर 9 ओपन डेक में जा चुका है। 10 या फिर 8 में से कोई तो कार्ड डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा मेरे को, सो हम यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि 9 का तो एक और चांस है, लेकिन इतना चांस मेरे हिसाब से नहीं होगा आ सकता, जो कार्ड्स का चांस बहुत कम है, क्योंकि हो सकता किसी और बंदे पास हो 9 एक दूसरा, अगर आना होता तो आ ही जाता। कह रहे हमको इतनी वेट नहीं करनी चाहिए एक कार्ड की, सो हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब देखो हमारा एक नया चांस क्रिएट हुआ है, सो इस वजह से हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब देखो हमारे पास एस या फिर क्लब में जे आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो राइट प्लेयर, इसको बंदे को नहीं पता कि हमारे पास क्लब में क्वीन और किंग है। सो बंदे के पास अगर इनवैलिड क्रूव में जे हुआ ना, तो बंदा जू डिस्कार्ड कर सकता है, और इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाएगी। उसके बाद हमको एक ही कार्ड चाहिए होगा डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन ये क्या बंदा का इस देश है, तो खुद क्लब में 10 पिक कर गया भाई साहब। अब तो हमारे पास क्लब में जे नहीं आ सकता। हाँ अगर बंदा सेट रैंक कर होगा तो क्लब में जे जरूर आ सकता है, लेकिन बंदे ने सीक्वेंस रैंक की होगी फिर ना ही तो जे आ सकता है और ना ही एस आ सकता है, जे तो नहीं आ सकता। ओके बंदे ने देखो 7 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो मतलब कि हमारे पास से भी डायमंड में 7 ही आया है। अब मैं सोच रहा हूँ 8 भी डिस्कार्ड कर ही देते हैं, हद हो गई यार हमारी तो प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो रही। मेरे को लग रहा है बंदा मेरे पॉइंट लगाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कितनी ही टर्न लग चुकी हैं, और यहाँ पे ऐसे ही होता गाइस, फाइनली जो है डीलर आखिरकार डिक्लेयर कर देता है। अब हम इस जो है गेम प्ले को जो राउंड है इसमें हमारा बैड लक ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, मतलब कि इतने वैलिड कार्ड होने के बावजूद भी अगर आपकी प्योर सिक्वेंस रही नहीं ना होती तो इससे बड़ा बैड लक क्या ही हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो सेकंड राइट प्लेयर के भी साथ कुछ ज़्यादा गलत सीन हो गया, मतलब कि तीनों ही बंदों के कितने पॉइंट लग गए, एक बंदे के 40 पॉइंट, एक बंदे के 41 और हमारे डायरेक्ट 78, मतलब कि बहुत ही गलत सीन हो गया। वैसे यहाँ पे जिन बंदों के 40 पॉइंट लगे नहीं, तो बंदों के पास भी कुछ अच्छे कार्ड नहीं थे, इस वजह से इन बंदों ने प्ले किया था। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव हो चुके हैं। एंड अगेन देख सकते हो गाइज कार्ड बहुत ही हमको गाइज गंदे कार्ड मिले हैं, ना ही तो जोकर है ना ही प्योर सिक्वेंस है, बट कोई नहीं अपना लक आजमा के देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देता हूँ,
क्योंकि 10 भी अब बंदा पिक कर सकता है, क्योंकि इनवैलिड है हमारे लिए, किसी बंदे के लिए तो वैलिड होगा ही ना। खैर देखते हैं गाइज हमारे पास कोई बंदा हमारी सीक्वेंस। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 1v1 होगा ना तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं बंदों के कैसे कैसे देते हो गाइज। बंदा दे जे का सेट रैंक आ रहा था, देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, तभी तुम्हारे पास जे नहीं आ रहा था। अब देखो यहाँ पे 2v1 है, मतलब कि दो बंदे प्ले कर रहे हैं और हम ऊपर से प्ले कर रहे हैं। चलो 9 ओपन डेक मैच, हम यहाँ पे डैन में 8 डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे बंदा पिक कर सकता है बंदे के पास अगर 6-7 हुआ तो। चलो बढ़िया पिक तो नहीं किया। अब देखो मेरे पास चांस तो क्रिएट हो रहे हैं थोड़े, लेकिन यहाँ पे देखो प्योर सो कॉइंस अभी तक नहीं रही हैं जोरी। और देखो गाइस बंदा 10 पिक कर गया, यानी कि मेरे पास ना तो हुक्म का 8 आ सकता है और यहाँ पे ना ही तो हुक्म की क्वीन आ सकती है, मतलब बंदे ने 10 पिक किया तो। सो बंदे ने यहाँ पे डिस्कार्ड किया था क्वीन, सो मैं यहाँ पे क्वीन पिक कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो हमको अभी भी 2 वैलिड कार्ड चाहिए, यानी कि एक हमको फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस रैंक करनी है, उसके बाद ही हम डिक्लेयर का सोच सकते हैं। सो देखते हैं गाइज यहाँ पे बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। हर्ट 3, कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो हर्ट क्वीन आई है अब जाके, सो हर्ट क्वीन ही डिस्कार्ड कर देते हैं। सो देखते हैं गाइज बंदा पिक करता है या फिर नहीं। वैसे चांस बहुत ही कम है बंदा पिक करे, क्योंकि बंदे पास अगर 10 जे होता तो बंदा किंग पिक करता, तो बंदे ने किंग पिक नहीं किया, यानी कि बंदे के पास 10 और जे नहीं है। और देखो एस इस बंदे ने डिस्कार्ड किया, चलो बढ़िया डिस्कार्ड हो चुका है ये कार्ड। ओके क्लब 9, कोई नहीं, क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं। मेरे पास जे आ चुका है हुक्म का। सो अब देखो गाइज हमारी जो है गेम डायरेक्ट एक कार्ड पे पहुंच गई है, मतलब कि तब हमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा हम इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें। मतलब 8-9 ही वैलिड है, 6-7 ही वैलिड है। वैसे यहाँ पे बंदे ने 10 पिक किया तो मेरे हिसाब से 6-7 के लेटर तो कोई कार्ड आने वाला है नहीं। सो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हुक्म का 6 डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 जॉकर है। सो चांस बहुत ही कम है बंदा पिक करे, और ऐसा ही होता गाइस ये बंदा पिक नहीं करता, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब गाइस हमको एक ही कार्ड चाहिए, देखते हैं हमारे पास आता है या फिर नहीं। हम सोच तो रहे हैं कि हमारे पास कार्ड आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो 96 पॉइंट वाला बंदा होता है ना, ये बंदा क्लोडा से कार्ड पिक करता है और इसी के साथ फाइनली डिक्लेयर कर देता है। मतलब कि यहाँ पे एक और टर्न लगती तो शायद हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाती, मतलब हमारा बैड ही लक था। और यहाँ पे मेरे साथ 60 पॉइंट वाला बंदा भी भाई साहब डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमने भी इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं होने दी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की ओर। सो गाइज ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट गेम प्ले, ये गेम प्ले भी काफ़ी इंटेंस होने वाला है। ये गेम प्ले उससे थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, यानी कि 10 प्लस पॉइंट यानी कि 13-14 मिनट का होने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, ओके। सो गाइज बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। इस हमारे पास दे सकते हो फर्स्ट राउंड में कार्ड्स की बात करें तो वैलिड तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि जॉकर नहीं हमारे पास। सो हम यहाँ पे फर्स्ट राउंड में रिस्क नहीं ले सकते। अब देखो मेरा क्वीन का सेट रही हो रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाले, क्योंकि हो सकता है बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड हो और हमारे पास देखो जोकर भी नहीं। अगर हमारी फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेंज होती ना, तब भी हमारे 20 प्लस से तो पॉइंट आराम से रह सकते हैं। सो हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉप एंड यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन बंदा प्ले करता है। ओके यहाँ पे देख सकते हो डीलर प्ले कर रहा है, सो करते हैं इसी के साथ बैट स्किप। ओके सो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पे डीलर डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे राइट प्लेयर देख सकते हो ये बंदा भी ओनली 2 पॉइंट से लॉस हुआ है। मतलब कि दोनों ही बंदों पास देख सकते हो दो दो जॉकर थे और काफ़ी ओपी कार्ड थे। खैर यहाँ पे मान के चलो कि जिस बंदे के 2 पॉइंट लगे हैं ना, उस बंदे ने एक तरफ से डिक्लेयर ही किया है। चलो कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड सीट हो चुके हैं एंड इस बार गाइस हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं। सो हम यहाँ पे क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। वाह गाइस जैसे मैंने क्लोडा से कार्ड पिक किया, देखो मेरी प्योर सिक्वेंस नहीं हो चुकी है। सो हम यहाँ पे जे या फिर क्वीन, सो जे डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि क्वीन डबल कार्ड है, सो ये पिक होने के भी चांस थोड़े ज़्यादा हैं। सो अब ऐसा भी हो सकता है जे के अकॉर्डिंग बंदा क्वीन डिस्कार्ड कर दे क्लब में। सो इसी के साथ हम सेट रैंक करके डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे दे सकते हो बंदा भाई क्लब में जे ही पिक कर गया, या तो इस बंदे ने सीक्वेंस नहीं की होगी या फिर सेट। वैसे यहाँ पे सेट रैंक होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बंदे पास अगर जॉकर थोड़े ज़्यादा हुए तो बंदा सीक्वेंस भी रैंक कर सकता है।
खैर कोई नहीं, अब पिक कर गया क्या ही कर सकते हैं। और गाइज देखो, बंदे ने हमको 7 ही डिस्कार्ड कर दिया और यहाँ पे डीलर ड्रॉप कर देता है। सो पिक कर लेते हैं 7 एंड यहाँ पे डायमंड कॉइन के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। गाइज वैसे देखो तो लेफ्ट प्लेयर ओपन ऐसे कार्ड पिक कर गया, लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड राइट प्लेयर जिस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक नहीं किया वो बंदा देखो ओनली 16 पॉइंट से लॉस हुआ है भाई साहब। और यहाँ पे देखो लेफ्ट प्लेयर के कुछ ज़्यादा गलत सीन हो गया, क्योंकि इस बंदे के पास ओनली फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ ही रेंज होती है। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट बंदे के 62 पॉइंट लगते हैं। वैसे बंदे को ऐसे कार्ड से नहीं प्ले करना चाहिए था, देखो बंदे की फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेंज होने के बावजूद भी इतने पॉइंट थे, लेकिन बंदे को बस खेलना ही था। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड गाइस इस बार देखो तो काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमारे पास इस बार प्योर सिक्वेंस नहीं है, जो कि हमारे लिए काफ़ी थोड़ा डिसएडवांटेज है। बट कोई नहीं, प्योर सिक्वेंस तो मैं सोच रहा हूँ रेंज हो जाएगी। वैसे यहाँ पे हमारे पास किंग नहीं आ सकता, लेकिन हर्ट में एस आ गया तो फिर तो हमारे पास काफ़ी ओपी हमारी गेम हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे क्लब 3 डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखते हैं बंदा 3 के अकॉर्डिंग क्या पता हुकुम का 3 डिस्कार्ड कर दे, लेकिन बंदे आपको ही पता है फॉलो बहुत ही कम करते हैं। और देखो बंदे ने क्वीन डिस्कार्ड की है और यहाँ पर देखो तो डीलर प्ले कर रहा है। चलो बढ़िया, इस बंदे ने हमको एस डिस्कार्ड कर दिया। सो इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस तो रेंज हो चुकी है। सो हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं अब क्लब 6 या फिर 4। वैसे यहाँ पे 4 ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 या फिर 8 आ गया हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। सो हम यहाँ पे डायमंड में 4 डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि 6 हो सकता बंदे के पास 7 8 हुआ तो बंदा 6 पिक कर ले, इसी वजह से मैंने 6 को भी होल्ड कर लिया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पॉइंट्स का 4 और 6। और देखते हैं बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। ओके, और गाइस देखो बंदे ने हमको क्वीन डिस्कार्ड कर दी, सो पिक कर लेते हैं एंड 6 के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। यहाँ पे 82 पॉइंट वाला बंदा तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये क्या गाइस 22 पॉइंट वाला बंदा भी दे सकते हो भाई साहब, डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। मेरे को ये बंदा नहीं लग रहा था कि ये बंदा एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन इस बंदे के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो गया, मतलब कि सीधा ही 80 पॉइंट लगे। और यहाँ पे देखो 82 पॉइंट वाला बंदा सर्वाइव कर गया, मैं सोचा था वो बंदा एलिमिनेट हो गया होगा, लेकिन गाइस देखो जब बंदे का बैड लक होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। वैसे बंदे पास कार्ड काफ़ी अच्छे थे जो बंदा 22 पॉइंट पे था, बस खाली उस बंदे को प्योर सिक्वेंस चाहिए थी। अगर प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाती ना तो बंदा शायद डिक्लेयर कर सकता था, खैर बंदे का बैड लक था। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड गाइस कार्ड्स की बात करें तो कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर वैलिड थोड़े कम है। देखो क्वीन आनी चाहिए, हर्ट में किंग और हुक्म की क्वीन। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बैट स्किप कर दी, क्योंकि यहाँ पे बंदा काफ़ी टाइम लगा रहा था। सो देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन सा कार्ड आता है मेरे पास। और यहाँ पे ये क्या, मतलब कि हद है यार, बंदे ने ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि इतने ओपी भी कार्ड आ सकते हैं क्या किसी बंदे के पास। खैर कोई नहीं, अब मेरे लग चुके हैं डायरेक्ट 37 पॉइंट और मेरे हो चुके हैं 58 पॉइंट। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे लेफ्ट प्लेयर तो भाई डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। वैसे लेफ्ट प्लेयर ने कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी की, मतलब कि ओनली प्योर सिक्वेंस से रिस्क ले रहा भाई। चलो कोई नहीं, हमारे 20 पॉइंट ही ज़्यादा लगे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सो अगेन गाइज कार्ड सीड हो चुके हैं एंड गाइज इस बार कार्ड दे सकते हो, 2 जॉकर हैं और यहाँ पे थोड़े वैलिड कार्ड हैं। सो ओपन डेक में 5 पड़ा है तो 5 पिक नहीं करेंगे, क्लोडर से ही कार्ड पिक करते हैं या फिर ड्रॉप करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजन वाले कार्ड तो हैं। बट अगर प्योर सिक्वेंस नहीं हो गया तो हमारे पॉइंट भी डाउन हो सकते हैं। सो हम यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कौन सा कार्ड पिक करें, लेकिन यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ड्रॉप ही कर देते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा डाउट था कहीं हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो सकती। सो इस वजह से मैंने ड्रॉप किया। अब हो सकता कुछ बंदे यहाँ पे रिस्क लेते, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट था कहीं हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हुई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। खैर कोई नहीं, अपना अपना ओपिनियन होता है। सो करते हैं इसी के साथ गाइज बैट स्किप, देखते हैं यहाँ पे कौन बंदा डिक्लेयर कर पाता है। सो फाइनली गाइज दे सकते हो यहाँ पे 56 पॉइंट वाला बंदा ही डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे देखो 99 पॉइंट वाला बंदा 108 पॉइंट से लॉस हुआ, मतलब बंदे को एक कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए। और यहाँ पे देखो बंदा रीजन भी हो गया, मतलब कि बंदे को रीजन यहाँ पे होना तो चाहिए था, लेकिन जब सबके इक्वल पॉइंट हो तब जाके रीजन हो जाना चाहिए। खैर कोई नहीं, अब बंदे के पास काफ़ी पैसा है तो बंदा रीजन हो गया।
सो अगेन गाइज कार्ड सीड हो चुके हैं एंड अगेन देख सकते हो कार्ड, कार्ड्स की बात करें तो कार्ड तो वैलिड है लेकिन यहाँ पे जोकर ही नहीं है। सो हम यहाँ पे करने वाले हैं ड्रॉप और यहाँ पे देख सकते हो 79 पॉइंट बंदा ओपन डे से कार्ड पिक कर गया तो बंदे पास अच्छे कार्ड आए होंगे इस बार। तो सो करते हैं हम ड्रॉप एंड यहाँ पे डीलर देखते हैं प्ले करेगा या फिर नहीं। ओके ये बंदा भी ड्रॉप कर देता है और यहाँ पे सचमुच बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड थे जिस बंदे ने रीजन किया, मतलब कि एक ही कार्ड चाहिए था डिक्लेयर करने के लिए और यहाँ पे बंदा एलिमिनेट कर सकता था डायरेक्ट अगर किसी बंदे के पास काफ़ी अच्छे कार्ड नहीं होते तो। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड अगेन देखो मतलब कि जब लास्ट मोमेंट आती तब देखो हमारे पास कार्ड कैसे आते हैं। अब तो एक भी जोकर नहीं दिया लेकिन यहाँ पे वैलिड कार्ड तो बहुत सारे हैं, देख ही सकते हो इनवैलिड कार्ड नहीं हमारे पास इस बार, वैलिड कार्ड बहुत है। सो यहाँ पे अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई यानी कि लक अच्छा हुआ तो हम यहाँ पे बैक टू बैक जो है कार्ड अरेंज करके शायद डिक्लेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दे सकते हो 76 पॉइंट बंदा ड्रॉप कर गया, चलो कोई नहीं। सो बंदे ने 8 डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे 8 पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे 7 डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमको अब सेट या फिर सीक्वेंस नहीं करके डिक्लेयर करना होगा डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास जोकर तो है नहीं जो मेरे को बचा सकते हैं। ओके डायमंड 6 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। डायमंड 10 है, सो मैं यहाँ पे डायमंड में 6 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई ये बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक करे। अब देखो मेरे को ना सिर्फ 3 वैलिड कार्ड चाहिए, सिर्फ 3 वैलिड कार्ड। यहाँ पे देख सकते हो डैन में जे, हर्ट में क्वीन और यहाँ पे 2 या फिर एस में से कोई भी कार्ड आ जाए हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि बंदे पास बैक टू बैक ये कार्ड आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और बंदा भी देखो भाई काफ़ी प्रो तरीके से प्ले कर रहा है और यहाँ पे बंदा कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूँ। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बंदे की अभी तक प्योर से क्वेंस रही नहीं हुई तो अभी तो बंदा इतना टाइम लगा रहा है। और यहाँ पर ये क्या मतलब कि बंदे का टाइम आउट हो चुका है। खैर कोई नहीं, मैं यहाँ पे हर्ट किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कार्ड पिक नहीं करवाना बंदे को। अब देखो बंदे ने जे डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पे देखो डायमंड 9 आ चुका है, सो अब हम यहाँ पे कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें, क्लब एस या फिर हुक्म का एस, क्योंकि बंदे ने जे डिस्कार्ड किया क्लब में, सो मैं सोच रहा हूँ क्लब एस डिस्कार्ड कर दें क्योंकि यहाँ पे रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ना अपनी सीक्वेंस ही ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि मेरे को देखो फोर्थ कार्ड की सीक्वेंस के अलावा फिर भी मेरे को 2 वैलिड कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, इसी वजह से मैंने किंग डिस्कार्ड कर दिया। ओके बंदे ने एस डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पर देखो हुक्म का 4 आया मेरे पास, सो हम यहाँ पर क्लब एस ही डिस्कार्ड कर देते हैं, 4 को रख लेते हैं अभी हो सकता बंदे को 4 की नीड हो। ओके बंदे ने जे डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो हर्ट में 7 आया मेरे पास, सो यहाँ पे हम हर्ट 7 डिस्कार्ड कर दें क्या, क्योंकि 8 मेरे पास है, 5 जोकर है, सो चांस तो है बंदे के पास अगर थोड़े ज़्यादा जोकर हुए तो 5, 6, 7 भी बना सकता बंदा, सीक्वेंस नहीं कर सकता, लेकिन हमको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि देखो मेरे पास कुछ कार्ड ही ऐसे हैं, 7 के रिलेटेड भी कोई कार्ड है नहीं। सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 7 ही डिस्कार्ड कर दें क्या, और यहाँ पे मेरा टाइम आउट होने वाला है और यहाँ पे 7 डिस्कार्ड हो गया ऑटोमेटिकली, चलो कोई नहीं अब 7 डिस्कार्ड हो गया क्या ही कर सकते हैं। वैसे चलो बढ़िया बंदे ने पिक नहीं किया। ओके बंदे ने देखो डायमंड 8 डिस्कार्ड किया, सो डायमंड 8 हमारा कुछ खास काम का है नहीं, सो क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास हर्ट में 3 आ चुका है, तो मेरे पास थोड़े वैलिड कार्ड और रेंज हुए हैं लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस का तो वही दिक्कत है कि हमारे पास कोई और सीक्वेंस भी नहीं रेंज हो रही। सो मेरे को अब एस के साथ या फिर 4 दोनों में से कोई तो कार्ड डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पे एस डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि बंदा एस पिक नहीं करेगा लेकिन थोड़ा डाउट तो है मेरे को, सो एस डिस्कार्ड कर देते हैं बंदे को, चलो बढ़िया। वैसे बंदे ने पिक नहीं किया। ओके क्लब किंग डिस्कार्ड गया, कोई नहीं हम यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे क्वीन आती है मेरे पास, सो हम यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि जे और किंग ओपन डेक में डिस्कार्ड हो चुके हैं। बंदा मैं सोच रहा हूँ कोई तो कार्ड डिस्कार्ड कर दे जिससे कि हमारी एक और सीक्वेंस रेंज हो जाए,
ओके और फाइनली गाइस देख सकते हो बंदा हमको हर्ड में नाइन भी डिस्कार्ड कर देता। सो इसी के साथ हमारी एक और सीक्वेंस नहीं हो चुकी है। सो अब यहाँ पे बहुत ही हार्ड डिसीजन हमको लेना, मतलब कि यहाँ पे ना बहुत ही मुश्किल वाला गेम प्ले हो चुका है अब तो। मतलब कि हमारे पास फोर और यहाँ पे देखो टू, इन दोनों में से एक कार्ड तो डिस्कार्ड करना ही है। वैसे मैंने यहाँ पे एस डिस्कार्ड किया तो बंदे के पास अगर टू थ्री होता तो बंदा एस जरूर पिक करता, तो मेरे हिसाब से बंदे पास टू थ्री नहीं है तो इस वजह से बंदा फोर पिक नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे फोर के साथ रिस्क लेता हूँ और लकीली गाइस बंदा जब फोर पिक नहीं करता। खैर कोई नहीं, हमको अब एक ही कार्ड चाहिए और यहाँ पे गाइस लकीली बंदा हमको फोर भी डिस्कार्ड कर देता। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि बंदा हमको फॉलो करेगा, लेकिन लकीली हमको फॉलो कर देता और हर्ट हमें फोर डिस्कार्ड कर देता। सो गाइस जेस हो तो हमने इतनी गंदी गेम प्ले कोई मतलब कि वैलिड कार्ड नहीं करके अब देखो हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। सो फोर करते हैं पिक एंड यहाँ पे डाउन टू सू के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। और गाइस फाइनली हम इस गेम प्ले में विनर बन जाते हैं और यहाँ पे बंदा लिमिट नहीं होता। खैर कोई नहीं, और हम यहाँ पे तीनों बंदे एक दूसरे को स्प्लिट पैकेट का सेंड करते हैं और यहाँ पे लकीली सब बंदे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो हाई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।